If we take the example of Qatar, जब कतर में ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, कतर ने ये बिट विन की थी कि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड ओवर देयर इन 2022, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा ज्यादा नंबर चाहिए था माइग्रेंट वर्कर्स का. कफाला सिस्टम आपको ये प्लेस नहीं देता, आपको इतनी स्पेस नहीं देता कि एज ए माइग्रेंट वर्कर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाए. Kafala system was established back in 1950s during the oil boom in the Arab region, and the basic meaning of the word kafala is to sponsor or to help someone out. It's actually a sponsorship system which was established to regulate the employment of the migrant worker. Anyone who wished to go to the Arab region, they first have to get sponsored by a sponsor or kafil or a company over there. In kafala system is right now implemented in Saudi Arabia. Of course, there are reforms happening over there. Qatar, Oman, Bahrain, UAE, Jordan, and Lebanon. The kafil will arrange for my documentation, my work contract, and my accommodation over there. Once I go over there, I am the sole responsibility of this kafil. He is responsible for my living over there. He is responsible how long I can work over there. He is responsible even to the fact that when I can leave that particular country. Of course, there are reforms happening right now, but the main issue is still there. So if you are working with a kafil and you have done something which they did not like, they can cancel your contract, and they have the power to make sure that you cannot work in that country again. आपकी अगर जॉब खत्म भी हो गई है और आपके एम्प्लॉयर को आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो उसके पास ये राइट है कफाला सिस्टम के अंदर कि वो आपको एग्जिट परमिट नहीं देता. आप नहीं देता, अब आप उस कंपनी में इलीगली रह रहे हो, आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आप वापस जाना चाहते हो, आप नहीं जा सकते. तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से गल्फ रीजन के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट होते हैं. पिछले साल पाकिस्तान से एक जो पाकिस्तानी है वो काम के सिलसिले में सऊदी अरेबिया गए थे. उनका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो हुआ था एज ए ड्राइवर. उनका फॉरेन सर्विस एग्रीमेंट पे साइन भी हुआ था. ऑल द प्रोसेस वर लीगली डन. लेकिन व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं तो वहाँ जाके साथ में तो उनको उन्होंने कोई काम नहीं दिया. After a month, they told him कि हमें जो है ड्राइवर की जरूरत नहीं है, we need a security guard. So now you will have to work as a security guard. अब उसका जो स्पॉन्सरशिप हुई हुई थी और उसका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट था वो इसके था कि उसने एज ए ड्राइवर वहाँ पर जॉब करनी है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर वो वहाँ पर रिजिस्ट करता या वो चेंजेस के लिए, जब उसने चेंजेस के लिए कोशिश की, तो उसको अपने एम्प्लॉयर्स की तरफ से इसलिए रेजिस्टेंस मिली कि उनके पास राइट था कि वो उसका जो है कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते और उसको पाकिस्तान वापस भेज देते. इसी तरह एक पाकिस्तानी है, ही वेंट ओवर देयर और उसके साथ जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था उसमें उन्होंने कहा था कि ही विल बी पेड 2000 रियाल. उसका अकामल जो था वो एक जो है इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हुआ था. और इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टर के जरिए अगर आप किसी के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें आपको ये रिलैक्सेशन होती है कि आप एक पर्टिकुलर जो है फील्ड के अंदर रहते हुए कहीं पे भी काम कर सकते. लेकिन जो इसका कॉन्ट्रैक्टर है, इसने उसको कहा कि यू हैव टू पे मी 500 एवरी मंथ. यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन करती चलूँ कि बाय लॉ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर से वो 500 नहीं ले सकता था, लेकिन वो उसको एक्सपर्ट कर रहा था. उसको पता था कि ये बंदा, इस बंदे को पाकिस्तान से मैंने बुलाया है और ये मेरे अंडर है, मैंने इसको स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मैं इसको एक्सप्लॉयट कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास वेज हैं. नेक्स्ट मंथ जब आफ्टर 2 or 3 days ही वाज लेट टू सेंड हिम 500 रियाल, जो है उसके ऊपर हरूब लगवा दिया. हरूब इज बेसिकली कंप्लेंट. आपका जो एम्प्लॉयर होता है, आपका जो स्पॉन्सर होता है, अगर वहाँ पर हरूब लगा देता है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. जब उन्होंने सिस्टम उसके ऊपर हरूब का करवा दिया
तो जो पाकिस्तानी था, द लोकल पुलिस केम ओवर टू हिज प्लेस, दे अरेस्टेड हिम। ही वाज स्टेड इन द पुलिस स्टेशन फॉर 5 to 7 days। उसने भी जब रابطہ किया तो उसको भी हमने एम्बेसी के साथ इन टच करवाया। जब हम पर्टिकुलरली पाकिस्तान की बात करते हैं तो 1970 से लेकर 2020 तक जो हमारी वर्क फोर्स है वो 90% लोग जो लोग हैं वो काम करने के लिए गल्फ में गए हैं। अब गल्फ में लोग जब काम करने के लिए जाते हैं तो वो डिफरेंट वेज हैं। आप डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट्स के जरिए जाते हैं, लोग खुद से जॉब फाइंड करके वहाँ पे जाते हैं, लेकिन मेजर चांस जो है हमारा वो वहाँ पर जाता है ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर के जरिए। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर ये वो कंपनीज होती है जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये लाइसेंस दिया होता है कि ये बैरूनी मुल्क से जॉब्स डिमांड लाकर यहाँ पर लोकली लोगों से अपनी फी चार्ज करके लोगों को काम के सिलसिले में बैरूनी मुल्क भेजते हैं। गल्फ रीजन से जो मोस्टली पाकिस्तान काम के लिए जाते हैं, चूंकि अनफॉर्चुनेटली वो सेगमेंट है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, इनलिटरेट है, तो वो खुद से अपना प्रोसेस नहीं करा सकते। तो डेफिनेटली दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज ओईपीज जिनको आम जुबान में हम एजेंट्स कहते हैं। यहाँ पर जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ से जहाँ प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, वो इस तरह होती है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि जो ज़्यादातर लोग पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया या इन गल्फ रीजन में काम करने के लिए आ रहे हैं, वो हमारा वो सेगमेंट है जो पढ़ा लिखा नहीं है। अब लेट्स सपोज अगर कंपनी ने उसकी पे जो है मंथली पे जो है वो 1500 रियाल की है, 1500 की है, 2000 रियाल की, ये जो भी अमाउंट किया है वो उन्होंने उनके कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन कर दिया है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले, जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है उसको साइन करने से पहले उस वर्कर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से नहीं पढ़ा, और अगर उसकी लेट्स सपोज कि उसकी पे 1500 रियाल है लेकिन जो उसको साइन कराए जा रहे हैं वो 1000 रियाल है, तो अब वो 900 रियाल से महरूम हो गया है। ठीक है, वो 500 रियाल उस कंपनी की जेब में चले जाएंगे जो उसको भेज रहे हैं। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, मतलब लेकिन मोस्ट केसेस में ये होता है। एशियन कंट्रीज से और अफ्रीकन कंट्रीज से लोग जो हैं इन कंट्रीज में काम करने के लिए जाते हैं, स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग विद अ पर्टिकुलर कंपनीज, तो बाज़ुकात वो बहुत ही सीवियर किस्म की सिचुएशंस में रह रहे होते हैं। इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ कतर, जब कतर में ये स्टार्ट हुआ था 2010 में, कतर ने ये बिट विन की थी कि उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड ओवर देयर इन 2022, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा ज़्यादा नंबर चाहिए था माइग्रेंट वर्कर्स का। अब हम एक माइग्रेंट वर्कर की बात कर रहे हैं जो एक ऐसे मुल्क से आ रहा है जो अंडर डेवलप है, हम एक ऐसे माइग्रेंट की बात कर रहे हैं जिसको अपने मुल्क में जॉब नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी नहीं है, उसको बताया जा रहा है कि वो इस मुल्क जाएगा, उसको खाने को भी मिलेगा, उसको रिहाइश भी मिलेगी, उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और उसकी ट्रांसपोर्ट का भी वो लोग कवर करेंगे, और उसको जो पे देंगे वो भी उसके मुल्क के मुकाबले में ज़्यादा होगी। अब ये वो ख्वाब लेके एक इंसान वहां पर जा रहा है, लेकिन जब वो वहां पहुंचा है तो उसके साथ में सिचुएशन क्या है कि उसको जिस जगह पे रखा जा रहा है दैट इज अ डेजर्ट, वो कंपाउंड्स बने हुए हैं, वो कंपाउंड्स ऐसे हैं कि एक एक रूम में उन्होंने 10 10 15 15 लोग रह रहे हैं। ठीक है, दे हैव प्रॉमिस देम फूड बट देर इज नॉट इवन अ किचन अवेलेबल फॉर देम टू कुक, दे हैव प्रॉमिस देम ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन इस तरह है कि वो मॉर्निंग में आपको आपकी कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जा रहे हैं, इवनिंग में आप उसी में ट्रांसपोर्टेशन में वापस आ रहे हो, लेकिन अगर उसके बाद आप खुद से बाहर निकलने की कोशिश भी करो तो आपको वहां पर जो मौजूद उनकी सिक्योरिटी है वो आपको अलाउ नहीं करेंगी। यू थिंक यू आर वर्किंग इन अ सिचुएशन वेयर यू आर फ्री बट एक्चुअली यू आर नॉट फ्री। कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन और आपकी जो होम लैंड है, अगर वो आपके राइट्स के ऊपर बात कर रहा है, जब दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एग्रीमेंट साइन हो रहा है, उसमें इस चीज़ को मद्देनजर रखा जा रहा है कि जिस मुल्क में आप अपने लोगों को काम के सिलसिले में भेज रहे हैं उनकी प्रोटेक्शन के बारे में आपने अपने उस बायलैटरल एग्रीमेंट में कितना एम्फसाइज किया है, दीज ऑल थिंग्स मैटर्स अलॉट। हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये प्रॉब्लम्स बोथ एंड्स पे हैं, ये प्रॉब्लम्स है ही इसी वजह से
कि ना सिर्फ योर डेस्टिनेशन कंट्री में आपको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, बल्कि जिस कंट्री से आप जा रहे हैं अगर वहां से आपको प्रॉपरली सपोर्ट नहीं मिल रही, प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, तो डेफिनेटली यू हैव मोर चांसेस टू गेट एक्सप्लॉइट। अगर हम माइग्रेंट वर्कर्स की बात करते हैं और हम साउथ एशियन रीजन से बात करते हैं जहाँ से सबसे ज्यादा चांस जो है वो यहाँ पर जाता है गल्फ रीजन में, तो अगर हम बात करें कि वो कौन सा मुल्क है जो अपने माइग्रेंट वर्कर को सपोर्ट और प्रोटेक्शन के लिए काम करता है, तो उसमें हमारे सामने एग्जाम्पल है फिलीपींस। फिलीपींस ने गल्फ रीजन के अंदर 20 सेंटर्स एक्चुअली कायम किए हुए हैं, इन केस कि अगर वहां पर लोग काम कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो वो अपनी एम्बेसी के पास भी डायरेक्टली आ सकते हैं और उन सेंटर्स में जाके भी अपने जो है वो स्टे कर सकते हैं एज लॉन्ग एज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। आप एक पाकिस्तानी हैं, अगर वहां पर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, आप का स्पॉन्सर जिसने आपको स्पॉन्सर किया हुआ है या जिस कंपनी में आप हैं या आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको किसी तरह भी एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएं, आप CWA के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें एंड दे विल हेल्प यू टू रिजॉल्व द इशू। ये एक इनिशिएटिव है जिसका इम्पैक्ट भी नजर आना शुरू हो गया है और एक डायरेक्ट जो लिंक है जो जनरल पब्लिक है उसका गवर्नमेंट के साथ है, क्योंकि जब हम एम्बेसी की बात करते हैं तो मोस्टली लोगों का ये होता है कि शायद हम एम्बेसी में जाएंगे तो हमारा काम नहीं होगा। इसी मसले को रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ ममालिक की पाकिस्तान की जो एम्बेसीज हैं उनमें ये सेक्शन को इंट्रोड्यूस कराया है CWAs का, जिनका सोल पर्पज यही है कि वहाँ की जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है जो पाकिस्तान वहां रह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करवाया जाए।